में बैठ रहा हूँ, वॉकिंग स्ट्रीट जा रहे हैं, यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैंने सोचा यहाँ से ये टुक टुक या बाद बस जो भी है ये कर लेता हूँ। फिर आपको वॉकिंग स्ट्रीट कल भी गया था मैं, आज आपको पूरा रॉ फुटेज दिखाऊंगा वॉकिंग स्ट्रीट का कैसा दिखता है। कल मैंने उतना व्लॉग नहीं कर पाया था वॉकिंग स्ट्रीट में, बट आज आई एम गोइंग देयर अलोन, पूरा शॉट लेने वाला हूँ, रॉ फुटेज आपको दिखाऊंगा, वेट कीजिए, कमिंग अप वॉकिंग स्ट्रीट रॉ, सी यू देयर। सो ये था वो टुक टुक जिससे मैं अभी वॉकिंग स्ट्रीट आया हूँ। सिर्फ 10 बात लगे मुझे बीच रोड से वॉकिंग स्ट्रीट तक, टुक टुक शेयरिंग टुक टुक में सिर्फ 10 बात लगते हैं। तो अगर आप बीच रोड से या कहीं पे भी आपको टुक टुक मिलता है और आप वॉकिंग स्ट्रीट जाना चाहते हो, 10 से 20 बात लगेंगे मैक्सिमम, तो बेस्ट ऑप्शन है आप शेयरिंग में टुक टुक ले लेना। अभी मैं एकदम वॉकिंग स्ट्रीट के सामने हूँ, सामने ही वॉकिंग स्ट्रीट है, चलते और आपको पूरा रॉ फुटेज दिखाने वाला हूँ मैं आज वॉकिंग स्ट्रीट का लाइव। सो अभी एग्जैक्टली 12:30 बज रहा है, वहाँ जाके मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत साउंड होगा वहाँ पे, तो इसीलिए पहले से आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं एकदम लाइव आपको दिखाने वाला हूँ क्या सिचुएशन है, कैसा माहौल है वहाँ का, पूरा आपको रॉ फुटेज दिखाने वाला हूँ अभी वॉकिंग स्ट्रीट का। सो बने रहिए एंड तक, कीप वॉचिंग। उसके वॉकिंग स्ट्रीट के बाद देखते हैं क्या प्लान करता हूँ मैं। अभी वॉकिंग स्ट्रीट एंजॉय कीजिए और यहाँ का वाइब एंजॉय कीजिए पूरा लाइव।
इंडियन क्लब है, रास क्लब, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। तीन चार इंडियन क्लब है अच्छे अच्छे, उनमें से एक है। यहीं पे वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म होता है। अभी मैं कैमरा ऑफ करके फिर से वापस जाऊंगा, थोड़ा एंजॉय करूंगा वॉकिंग स्ट्रीट में, उसके बाद शायद वापस चला जाऊं होटल, पता। सो दिस इज़ द जिम आई एम अबाउट टू गो, और आयरनी देखिए जिम के बाहर ये लोग गांजा बेच रहे हैं। जिम के ठीक नीचे एक वीट शॉप है, ऊपर जिम है। वाओ, जिम करो और उसके बाद नीचे आके गांजा मारो। नाइस कॉन्सेप्ट।